जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी क्लास एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। किसी के मन में अगर कोई प्रकार का डाउट है क्लास के बारे में तो आप जरूर कमेंट करें और हम आपके सभी कमेंट्स को देख रहे हैं। तो फिर देर ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बोल दें यस कि आप लाइव आ चुके हैं। आज आपका 14 नंबर क्लास है, इधर साइड में दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। देखो देखो देखो, जल्दी देखो, लाइव नंबर 14, सुपर टेट स्पेशल। याद रहे कि जितना मैंने पढ़ा दिया है पूरी गारंटी है इसी में से आएगा जो भी आएगा। ये आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगर नहीं आया इसमें से सब बाहर बाहर आया तब बताना। ये कंटेंट बहुत मेहनत करके बन रहा है आपके लिए, बहुत। एक क्लास चलाने के लिए 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ी जाते हैं। चलो आइए, जैसा कि साथियों नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में योग पर आधारित तो प्रश्न चल रहा था ना, अब ये नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है। अभी खत्म नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, अभी जो टॉपिक है पढ़िए, बताएंगे आगे। योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित सवाल। इसमें अगर आपने पीछे की क्लासें देखा है तो मैंने इसको कई पार्ट में बांट रखा था। याद करिए, जब सीरीज वन से स्टार्ट हो, जब सीरीज वन से स्टार्ट ना हो, जब सीरीज में सम और विषम संख्याएं हो, जब कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, ये बांट रखा था ना। इसमें कभी लास्ट वाला आज जो आ है वो आप पढ़ोगे। कंडीशनल बेस्ड मुझे लगता है कि पिछली क्लास में नहीं हुआ था। ठीक है भैया, चलो लिखिए पांचवा लिखिए, पांचवा नंबर डाल के लिखिए। जो बच्चे रेगुलर क्लास में हमारे आ रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, उनको कुछ नहीं बताना है, उनको डाउट भी नहीं होगा। पीछे की सारी क्लास आप पीबीआर स्टडी ऐप में अगर ज्वाइन किए हैं तो आपको इकट्ठा मिल गया होगा, बाकी यूट्यूब पे आप खोज के देख सकते हैं, पढ़ा होगा। तो हेडिंग डालिए शर्तों पर आधारित प्रश्न। इंग्लिश में लिखेंगे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें कंडीशन का मतलब क्या है। जैसे कंडीशनल का मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप हैं, आपकी दोस्त है, मतलब आपका दोस्त है, और आप उसे कहते हैं कि सुनो अगर आप मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स दोगे, मतलब नोट्स दोगे आप जो बना के रखे हो, तो मैं आपको मैथ का दूंगा या दूंगी, नहीं नहीं दूंगा। ये क्या है, कंडीशनल है कि नहीं? शर्त है यहां पर ना, शर्त ये है कि अगर आप अपना नोट्स हमें देंगे तभी हम अपना नोट्स देंगे। ये तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए हो गई, लेकिन आपके लिए क्या हो गई कि तुम अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें करूंगा, करूंगी नहीं तो नहीं। समझ रहे हो, ये थोड़ा सबके समझ वाला हो गया। तो इसमें कंडीशन है ना, अगर अगर ये हुआ ऐसा तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मगर, चलिए जैसे ऐसे कह दिया जाए कि अगर क्लास चलेगी तो आप पढ़ेंगे, नहीं चलेगी नहीं पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे अगर मगर करने से तो काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन लिखिए यदि, यदि या फिर अगर, बोले दोनों बात वही हुई। 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोल रहा हूं मतलब घात 2, प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर बराबर 480। तो समझो 7 प्लस 28 प्लस
63 प्लस 112 दिख रहा है ना वहां तक, डॉट डॉट डॉट, और आगे सिम कर लो डॉट डॉट, आपके इन जगह होगी तो कर लो, 2800 बराबर, ओ बराबर नहीं, का मान बताना है, ठीक है, का मान कितने लोग कर लेंगे। देखिए अगर मगर इसमें कंडीशन है ना, विपिन यादव, शिवम, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, मैं सबका नाम बोलूंगा, बस आप सब्र बना के रखो। मिस्टर वाईटी बॉय, हाँ श्वेता, सबका कमेंट आ रहा है, मैं सबका देख रहा हूँ। अश्वनी, शिवम कुमार मिश्रा, आसिफ अंसारी, ठीक है, प्रियंका सिंह, प्रिया शुक्ला, सीताराम सिंह, राम किंग गेमिंग, ठीक है चलो। अब क्या करना है, बहुत आसान है ये, सिंपल सा है। कह रहे हैं कि यदि, यानी अगर, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग बताया था, अगर इतना बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करो। एक चीज यहां पे आपको दिख रहा होगा जरूर, अगर मगर में, वो क्या कि आपको एक सीरीज दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, मतलब कंफ्यूज हो, तो देखो इधर साइड में समझो, यहां पे आप हल लिखिए, लिखिए, हाँ ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, यू डोंट वरी। चलो देखो बेटा, पहले तो हम भाई, मेरे भाई सॉरी, पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, आदत पड़ गई है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, नाइसली। 112 डॉट 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 कितना है, 28। ये आपको दिया गया, इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालना है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या है, थोड़ा अलग था, हमें इस सीरीज का मान दिया है, हम एक काम करेंगे, इसमें 7 कॉमन ले लें अगर, तो भाई साहब ये 1 बचेगा और ये 4 बचेगा, 7 9 63, और ये मुझे लगता है 16 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, ये 400 बचेगा। मैं थोड़ा लाइन और बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आए हमारी ये कोशिश, ठीक है। बोलिए सभी एक बार यस लिखिए अगर ये समझ में आया, यस, जिनको ना आया वो नो लिखेंगे, लेकिन यस या नो आप लिखोगे जरूर, जल्दी करो, यस या नो, क्या कह रहे हो? अरविंद, अश्वनी, रियाज, मंसूरी, ओके। देखो मेरे भाई, कॉमन का मतलब होता भाग करना, अगर मैंने 7 में से 7 कॉमन लिया, मतलब मैंने इसको ऐसे किया तो 1 आया, अगर मैंने 28 में से 7 कॉमन लिया तो मतलब इसको 7 से भाग कर दिया तो 4 आया, कॉमन का मतलब होता भाग। इसको भगाओ, कच्चा 10 वाले भगाओ, तुरंत भगाओ, इनको इनको ढकेल के भगाओ, बेइज्जत करके भगाओ इन्हें। मैं जब पढ़ाता हूं ना इनको, तब ये नहीं आते हैं, एकदम आती कर दी है भाई, 9th 10th वाले, सच्ची बता रहा हूँ, दिल कह रहा मेरा, इनको भगा दो। मैं तो बहुत प्यार था इनसे, मेरी वाली से ज्यादा प्यार था इनसे हमसे, लेकिन ये अति कर दिए, ये क्लास में नहीं आते, ये सुपरटेट वाली में आएंगे, डीएलएड वाली में आएंगे, एसएससी वाली में आएंगे, लेकिन ये 9th 10th वाले में नहीं आएंगे, उस समय नानी के ननिहरे चले जाएंगे, बाद में आएंगे, फिर पूछेंगे 10th का आइए, एक लप्पड़ मारेंगे, मुंह भाई माटी खाओगे, गधा खाई। चलो देखो इधर समझो भाई, देखो होता क्या है, ये सीरीज बन गई, अब इसमें क्या करेंगे हम, इनको स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो भाई, 9 को 3 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे 20 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं 400 को। बोलो सही बोल रहा हूं ना, ये हो गया। अब एक चीज अगर आप ध्यान दो भाई, एक चीज आप ध्यान दो, इनको यहां मिटाई दो, इसका मान दिया है कि नहीं, कुछ बोलिए, दिया है ना, ऊपर देखिए, इसका मान 480 दिया है, तो हम क्या करेंगे पता है, हम जो करेंगे वो आपको दिखेगा, 7 इसका पूरे का मान रख दो 480, बस गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, हो जाएगा आंसर, कर लो जल्दी से, गुणा कर लो, 2800 आएगा क्या, नहीं, कर लो 7 का 0 में 0, 7 8 56, हासिल 5, 7 4 28, 5 33, ये आ गया आंसर। शिव पूजन, आया समझ में, मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए।
बहुत आसान है, परीक्षा में इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके पिछले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, एकाध परीक्षा छोड़ दिया जाए तो सब में शर्तों पर आधारित क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। परीक्षा में हो सकता है यहाँ पे गिनती बदल जाए, मान बदल जाए, 480 में दिया हूं वो 353 दे दें, 280 दे दें, अलग बात है, लेकिन टाइप ही रहेगा। अगला लिखिए इसी में, यदि इसमें 10 का स्क्वायर करके 720 कर दिया जाए, आप सभी मुझे इसका मान बताना, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना और उसकी कसम खा के बताना। सच्ची वाली। चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इस टाइप का, ये 10 का स्क्वायर है। देखो भाई क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये 720 है, तो रुके रहो, अभी मैं बदल रहा हूं और भी। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सबर करिए, क्वेश्चन लिखिए जरूर आप लोग, ये कोई रामायण नहीं हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, लिखिए साथ साथ में, हाथ जोड़ के मत बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो 3 + 12 27, 3 का मान बताओ क्या होगा। आपके पास अब की बार तो ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन लिखो। पहला है, बोलो, अगर सी सही है तो आप लिखोगे 2C, ऐसे। अगर डी सही है तो आप लिखोगे 2D, लेकिन बताएगा हर कोई। जितेंद्र आ रहा समझ में, सचिन वर्मा ठीक है, पूनम कुमारी वेरी गुड, राजन सिंह, लास्ट में मैं मोबाइल नंबर दूंगा जो हमारे साथ लास्ट तक बना रहेगा। चलो आगे बढ़ जाए, योग पर आधारित आपका मुख्य टॉपिक है, उसमें शर्तों पर आधारित हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला जवाब किसी ने दिया, कायरा सिंह, सचिन, किरण, प्रियांशु, ब्रिजेश पाठक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कितने अच्छे हो आप लोग, इतने अच्छे तो मैं आज तक देखा नहीं, कहां से आए हो भाई। चलो इसका मान निकालना है, पहले इसमें कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, 1 + 4 + 9 प्लस डॉट 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 100। कहो साथी, आवा कि नहीं आवा, लाइट वाइट कम है कहा भैया आज, रुक जाता हो थोड़ा सा, बहुत गंधेला टाइप के दिखाते यार, नहीं ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए समझिए, ये हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, मैं एक ही लाइन में लिख देता लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते इसलिए नहीं लिखा। ओ ये इसको हटाया तो फालतू लगा दिया मैं। देखिए ये जो पूरा पूरा है इसका मान दिया है, देखो मगर प्यार से दिया है ना, इसका पूरा पूरा ये मान दिया, ये 720 दिया है, तो कर लीजिए गुणा, 3 × 3 = 6, 3 × 7 = 21। समझ में आया एनीवन, किसी को कोई डाउट? अंजलि साहू आया समझ में? सचिन, विपुल यादव, अमित मधेसिया, रश्मि सिंह, कुछ लोगों के कमेंट्स हाइड हो रहे हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं शो कर रहे हैं, कोई बात नहीं मुझे दिख रहे हैं, बस उतने मतलब है, तुम लोग देख के क्या करोगे फालतू, जाने दो। ये मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पेशली सुपर टेट वालों के लिए, इस पर आप मैसेज करेंगे जिनको रेगुलर क्लास चाहिए या क्लास के बारे में कोई डाउट है, सिर्फ सुपर टेट वालों के लिए, याद रहे 9 10th वाले इस पे मैसेज नहीं करेंगे, विनम्र निवेदन है उनके चरण कमल छू करके कि 9 10th वाले या उससे छोटे क्लास वाले बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो ये हो गया आंसर इसका, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही था, 2B। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। ए भैया क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हो लल्लू, अगला लिखा ना। चलो जहां पे 720 लिखा था ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1050। ठीक है हाँ, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, जाने दीजिए। इसी का आंसर मुझे बता दीजिएगा अपने से, मैं नहीं बताऊंगा इसे। करें करें लेकिन जल्दी करें, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप में थोड़ा सा कुछ कुछ हटके, लोग बोर होने लगते हैं थोड़ा समय बाद, शॉर्टकट बनना पड़ता है। जैसे देखो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो रहता है, खिसकाते रहते हैं बैठ के, खिसकाते, कोनो ICS करेगा कोनो SS करेगा, जिंदगी उसकी SS करती है, समझ रहे हो, इसलिए शॉर्ट वीडियो ना देखें। आगे बढ़े, पता नहीं ये चार्ज वार्ज है कि गया, डिम डम हो गए। हाँ अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग तरह का देखिए। यदि क्वेश्चन नंबर तो ये सब चेंज हो जाएंगे। ए भाई मिटा यार, बेवजह लिखा। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखने में तकलीफ हो रही है, वीडियो कॉल में बात करोगे नजर से नजर नहीं हटती है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देख। हाँ, मैं सुनता हूँ आप ही लोगों से, लेकिन हमें देख रहे हो क्लास में तो लग रहा है जैसे काट रहे हैं हम दौड़ दौड़ के, हाँ भाग रहे हो। चलो ये हो गया, इसमें है 8 का स्क्वायर, इक्वल कितना है, 365। तो क्या करना है, मान बताना है, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ओ लिख लो हो ऐसे का स्क्वायर का मान। इसका आंसर कौन बताएगा, एनीवन कोई बता सकता है? 4.39। बताओ राजन सिंह, नो नेम गेमर, इसीलिए तो बेटा तुम्हारा नाम नहीं लेता हूं मैं गेमर है तो हैरान हूं। ठीक है देव मनमोहन जी, हाँ कमेंट आ रहा है, नहीं बाबू कोई एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड तो लड़कियों में होता है, मैं हर एंगल से लड़का दिखता हूँ। चलो अब क्या करना है, इसे हल करना है ना, जो मान दिया है ठीक है अच्छा है। इनमें क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन ले लेंगे, इसमें हम 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर में क्या बचेगा, बराबर ना लगाओ, क्या बचेगा पता है आपको, समझो मगर समझो, इसमें 1 बचेगा और अगले में 2 बचेगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे बचेगा, ये 8 का स्क्वायर यही बचेगा। विपुल बहुत अच्छे, वेरी गुड अंकित, ठीक है श्वेता सही आपका भी, ठीक है हाँ, तो इसमें सी नंबर सही है जो बच्चे बता रहे हैं। अब देखो बाबू ये कैसे बचा, कुछ लोग कंफ्यूज में होंगे, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, तो ये देखो मैंने इसमें से क्या किया था, इसमें से मैंने ये कॉमन लिया था, क्यों भैया यही तो कॉमन लिया था, कॉमन जितना भी लेते हैं उससे भाग कर देते हैं, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो तुम देखो जब इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे इंटू ऐसे होगा ना,
भैया वो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, ये सब जब कट पिट जाएंगे आपस में तो क्या बचेगा, एक का स्क्वायर बचेगा ना, तो जितनी बार एक का स्क्वायर कर लीजिए। ऐसे देखिए, जब मैंने 0.22 स्क्वायर से कॉमन लिया था 0.11 स्क्वायर, तो क्या हुआ था, ये ऐसे देखो, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, और कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अब अगर इसको हम काटेंगे 2 आएगा, इसको भी काटेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 2, इसको मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं ना, इसी तरीके से ये सब हुआ है। आजमगढ़, मनीष राजभर, आ रहा समझ में, तो एक बार बोल दो। हाँ आ रहा है, सबको आ रहा है ना, पक्का आगे बढ़े। चलो एनीवन, किसी को कोई डाउट नहीं, नो डाउट, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो भाई, आंसर बहुत से बच्चों का आ गया, सचिन वेरी गुड। देखो ये 0.11 का स्क्वायर है, मतलब इतना इनटू ये पूरे का मान 365 है, ये हमें गुणा करना है मेरे भाई। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 और 2 2 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये इतना आएगा। अब ये गुणा तो आप कर ही सकते हो, हाँ करके देखो, 121 5 लास्ट में 5 आएगा ना, ये 4.4165 लगभग समथिंग आएगा, करके देखो यही आएगा। तो स्टार्टिंग के अगर हम दशमलव के बाद की 2 गिनती तक लेंगे इसमें से, तो ये सी वाला सही। शिव पूजन आया समझ में, लिख लीजिए, मैं सामने से हट गया हूं, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, जल्दी करें। पूजा जी समझ में आ गया, सचिन जी आपको भी आया, अंश कुमार ठीक है, आदित्य गेमर बेटा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, लेकिन तुम पढ़ कम रहे हो, इधरे उधरे ज्यादा कर रहे हो। आ गया तो सभी साथी सेशन को लाइक भी करते चलिए, आपकी भी तो थोड़ी जिम्मेदारियां हैं ना यार, क्लास को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, वैसे अधिकांश साथी हमारे पीवीआर स्टडी ऐप में ही देख रहे होंगे इसे, क्योंकि YouTube पे सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता ये क्लास YouTube पे, ये सिर्फ ऐप के अंदर ही देखते हैं। अगला सवाल बस कुछ ही क्षण में आपके सामने, आपके दर्शन के लिए तैयार। अब एक आप करके मुझे बताओगे, विभा चौधरी, आ गया समझ में, ठीक है वेरी गुड, कम से कम आप बोली, तो मुझे तो लग रहा था कि आप बोल ही नहीं पाती हो। लिखिए, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर, इसका मान कुछ दिया है का, पता नहीं हो, कोई दिया तो नहीं लग रहा है, लिख लो कुछ भी जो भी हो, मुझे दिया नहीं है इसमें, 330। तो इस आधार पे आप बताइए, क्वेश्चन बनाया हूं मैंने अभी, इसका मान बताइए कितने लोग कर लेंगे, बोलो फटाफट, कर लोगे आप लोग पक्का, एक बार बोलो हाँ यस। इसको आप सभी खुद से करेंगे और मैं नहीं करने वाला ये सब काम। चलिए, ये स्टूडेंट लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कहो कहा जाइए आप लोग का। दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि दोनों चाहते हो, बताओ, सब कुछ दे दें, बंद करें क्लास का, एक चीज चाहना तो अच्छी बात है, नहीं तो वो क्या करेगी,
मतलब जो आएगी अभी नहीं। हाँ एक दिन कोई पूछ रहा था बड़ा अजीब टाइप का, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। चलो क्लास खत्म हो जाए तो लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि मतलब क्या कहें। एक दिन कह रहा था कि अभी कल ही क्लास में शायद कि सर अपनी वाइफ को दिखाइए, भगवान पता नहीं वाइफ बनाए भी है मेरे लिए कि नहीं। वही मैं कल भगवान को फोन कर रहा था, शाम को लग ही नहीं रहा था। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, गानों के योग पर आधारित प्रश्न करवा दिया जाए तो अच्छा ही है। गानों के योग पर आधारित प्रश्न, ऊपर योग है, शर्तों वाला मिटाओ। ये इस कैटेगरी का सब खत्म हो गया शर्त वाला। अब ऊपर जो योग पर आधारित था उसमें कई कंडीशन थी, उसमें से नीचे एक कंडीशन लिखो, मुझे लगता है तीसरा नंबर होगा। योग पर आधारित प्रश्न, अब इसे बड़े प्यार से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के होंगे और इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर आप सुपर टेट के लिए सीरियस हैं तब। बाकी वैसे माहौल बना रहे हैं, अगर अगल बगल के लोग फॉर्म डालें आप भी डाल दिए हो तो फिर भगवान ने मालिक है आपके। चलिए देखिए, इसमें साथियों क्या करते हैं, एक छोटा सा सूत्र लगाते हैं, इसमें कोई बेहतरीन ट्रिक नहीं होती है। हर चीज की, हर टॉपिक की ट्रिक नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर गंगा जी पर एक ही पुल बना हुआ है और गंगा जी में खूब पानी उफलाया है, बारिश हो रही, महीना है सावन भादों का, और तुमको हम ट्रिक लगाएंगे पुल से नहीं जाएंगे, हम कूद पड़ेंगे सामने, तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। हाँ ट्रिक तब लग सकती है जब जनवरी फरवरी का महीना हो, गंगा जी में बहुत कम पानी रहता है, तुम पुल से ना जाओ तब भी जा सकते हो किधर से भी। मैं प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती है हमारे अकॉर्डिंग, इसमें अभी कोई ट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके पहले एक नोट डाल के फार्मूला लिख लीजिए। लिखिए प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर यन इंटू यन प्लस वन अपॉन टू इसका होल स्क्वायर। यही तो होता है, कहो। चलो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, इस सूत्र का प्रयोग चाहे तो इसको लिख लीजिए, तभी किया जाएगा जब ये सीरीज वन से ही स्टार्ट होगी। इस फार्मूले का यूज तभी किया जा सकता है जब सीरीज वन से स्टार्ट हो, मतलब अगर सीरीज बीच में कहीं ब्रेक है तो फिर थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसमें, समझ रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ बाइक वगैरह साइकिल वगैरह पंचर हो जाती है तो लोग जुगाड़ लगा के उसको घेरा ले जाते दुकान तक। कोनो टंकी बैठ के चलाता है तो कोनो पीछे उठा के ले जाता है। देखो कैसे, क्वेश्चन लिखिए, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब का मान बताओ कितना आएगा। इसका मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, तो पहला है भैया 3031, 26, 26। बताओ, ऑप्शन बताओ फटाफट। कुमारी चंदा जी गुड इवनिंग, मनजीत जी बेरे बेरे गुड इवनिंग। चलो कौन कौन कर लेगा हाथ उठाओ, बहुत सिंपल है। यहां यन का मान क्या है बोलो पहले फटाफट भाई, यन का मान 10 है, अंतिम संख्या वही क्या होती है, यन का मान होती है, सूत्र में लगा दीजिए, ऐसे लगी ना, यन का जगह 10,
ये 10 धन 1 यानी 11, दूसरे से काट दो 5, 55 स्क्वायर। 55 का वर्ग 3025 होता है। अब कुछ लोगों को वर्ग नहीं आता तो मुझे क्या करें, छाप लीजिए फटाफट, ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं तो 5 घंटा वहां परीक्षा में जाओगे, ऐसे भी करोगे लास्ट में, सब कुछ आने के बाद हाथ से छूट जाएगा। एग्जाम में याद रहे कम समय में क्वेश्चन किया जाता है, तो वहां पे ये लुगा लपेटा लेके नहीं जाया जाता है, समझ रहे हो? जैसे जा रहे हो किसी ऐसे रास्ते में जहां चारों तरफ आग धधक रही है और जल रही है कि तुम्हें खाने को आतुर है, और तुम पता चला ऐसा कपड़ा पहन लिए चारों तरफ फहराते जा रहे हो लम्फाते, तो क्या होगा, उसी पकड़ लेगा। तो ऐसा भी नहीं बिना कपड़े के जाना, नंगे नहीं, कपड़ा पहन के जाना, लेकिन ऐसा कपड़ा जो बॉडी में एकदम फिट, समझ रहे हो? तो वैसे परीक्षा में होता है, टाइम बहुत कम होता है, चारों तरफ बस यही रहता है कि फटाफट घड़ी की सुई ऐसे ऐसे भागती है। तो कुछ चीजें आपको शॉर्टकट में करनी होती, कैलकुलेशन वगैरह। अगर ये नहीं आता है तो ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन ZLM लिख कर भेजें, या फिर ये भेजें कि मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, क्लास को ज्वाइन करें, बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखा दिया जाएगा, तेज हो जाएंगे आप, लेकिन ज्वाइन करना होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिनका भी मैथ कमजोर है, ऊपर नंबर है उस पर संपर्क करें, लिख लीजिए, जल्दी करिए, आगे बढ़े, बहुत जल्दी करें। हो गया डन, चल भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए, अगर इसमें मैं 25 का स्क्वायर क्यूब कर दूं तो क्या होगा भाई? मैंने अभी क्या गुनगुनाया, कोई समझ पाया क्या? देखो हाँ, आप लोग समझदार हैं तो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, भावनाओं को समझते हैं आप। चलो इसके ऑप्शन में क्या होगा, एनीवन? रंजीत कुमार, विपिन और कोई और, मतलब कोशिश करोगे कोई और? देखते हैं आप थोड़ा थिंकिंग कर पाते हैं कि नहीं। ये देखो भाई, ये तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा सोच लिए। नहीं विपिन जी, ऐसी बात नहीं है, हाँ लगभग जा रहे हो लाइन में, वही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गए। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है, यन का मान 25 है, फॉर्मूले में रखोगे 25 + 1 अपॉन 2, बस हो गया आंसर, कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब ए वाला। मार्कर में स्याही भरना पड़ेगा का? ए ललकी स्याही पड़ी है बिना मतलब पे यार, इसको भर के खत्म करो फटाफट। लीजेंट ब्रो, कहाँ थे तुम अभी तक? हाँ सब कुछ हो गया, यहाँ अभी आ रहे हो, क्या मिलेगा अब, छूट गया हाथ से तुम्हारे, सब छूट गया। मेरी गाने की धुन को कोई समझ नहीं पाया ना, यही तो गड़बड़ है, मैं ऐसा गाता हूं कोई समझ नहीं पाता है, ऐसा लिखता हूं कोई पढ़ नहीं पाता है, इसलिए तो कोई मेरी, और आगे नहीं बोलेंगे, जाने दो, बाद में बोलेंगे, क्लास में रहोगे तो ठीक है। नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लीजेंड ब्रो कम रो, थोड़ा थोड़ा रो। चलो तो इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे 13 आएगा, 25 × 13 स्क्वायर कर लीजिए भाई साहब, 1,05,625 आएगा, कर लीजिए इतना आप जानते हो। राजेश पांडे जी, बिल्कुल 9 बजे करते हैं, बेसिक मैथ 9 बजे होती है, आजकल बंद चल रही है,
अर्पिता यादव, आप भी जाग रही हो? ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ना सो सो के जागते हैं, जग जग के सोते हैं, पढ़ते रहते हैं सोते हैं, और कुछ लोग तो दिल दिल थाम के बैठे हैं, जिनका टूट गया है वो पढ़ते उड़ते नहीं। याद रखें, अगर लाइफ में आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं किसी भी एरिया में, तब आपके बहुत से चाहने वाली और चाहने वाले होंगे, अन्यथा ये दुनिया है मतलब की, कुछ नहीं मिलता बिना मतलब के यहाँ। आगे बढ़े, आगे क्या है क्वेश्चन, ये सब हो चुके, एक और लिखिए। आप जाने दीजिए, लोग बोर हो रहे हैं, कुछ नया। ये तो तब था जब सीरीज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रही थी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीरीज ना बने तो क्या होगा, मतलब सीक्वेंस ना बने तो क्या होगा, बीच से ही स्टार्ट हो सीरीज। शुरू में मैंने कहा था कि ये सूत्र तभी लगेगा जब सीरीज वन से ही स्टार्ट होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई? देखो, ऐसा एक्चुअली होता है, हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया के लोग चलते हैं जुगाड़ से, यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जुगाड़ से चलती है, तो हम लोग जुगाड़ बहुत लगाते हैं, है ना। बचपन में चप्पल टूट जाया करता था, स्लीपर, तो उसमें डोरी बांध के नीचे लकड़ी लगा लिया करते थे, बन जाया करता था, इसे जुगाड़ कहते हैं। क्या आपने कभी किया ऐसा भाई? अगर हम लोग के जैसे गरीब घर के रहे होंगे तो किए होंगे, नहीं तो आप लोग तो नया लाते होंगे 10 दिन बाद। हम लोग ना तो एक एक साल दो दो साल चलाते थे, अगर 1 साल से कम चला तो गड़बड़। चलो देखो, तो क्या है अब क्वेश्चन, जब सीरीज वन से स्टार्ट ना हो, जैसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, और ये 10 का क्यूब। मैं बहुत छोटा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको हजम हो जाए, समझिए। ये सीरीज वन से स्टार्ट नहीं है, यानी 5 से स्टार्ट है और 10 तक है। दैया रे दैया, भगवान रे भगवान, अब क्या होगा, अब तो ये सूत्र लगेगा नहीं, तो अब जुगाड़ लगाएंगे, अब जुगाड़ वाला नहीं लगाएंगे जो बताएं, ये जुगाड़ दूसरा होगा। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे दूं, कुछ लोग ट्राई कर लें तब तक, जिनके बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, नहीं बोलेंगे, जाने दो, कहीं मेरे मुंह से कुछ गंदा निकल गया तो लोग ट्रोल करेंगे। ऑप्शन लिख लो, 26-21, 26-25, 26-24, 26-23, कोई ऑप्शन बताएगा? एनीवन? ठीक है, इसको क्या करना, हल करना है, मैंने कहा इसको जुगाड़ से करेंगे। जुगाड़ से कैसे करेंगे, पहले आप पूरी सीरीज वन से लिखोगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, 10 का क्यूब। ठीक है ओ भैया, कहो, सबका समझ में आवता है ना? हाँ, क्यों, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, ये हो गया, हमने क्या किया, सीरीज को वन से स्टार्ट कर दिया। इसमें से घटा देंगे क्या, इसमें से वो घटा देंगे जो यहाँ कम है। देखो यहाँ भैया 5 से शुरू हुआ है, 5 के पहले कितना छूट रहा है, गिनिए, 4 छूट रहा है, 3, 2, 1, 4 छूट रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, धन 4 का क्यूब, छोटा है इसलिए सारे लिख लिए, बस बन गया काम, बन गया काम, बन गया। कैसे कैसे हो? 3025 अभी आया था, शायद 10 तक का क्यूब हम निकाले थे कि नहीं, शायद मैं ये क्वेश्चन करवाया था ना अभी, हाँ हो, करवाया तो था, ये इतना मैं अभी करवाया था, 3025 आया था, तो घटा लो ना। ये क्या है, यन का मान 4 है ना इसमें, तो रखो ना इसमें, 4 × 4 = 5, यानी 4 × 5/2, इसको अलग कर लो, दो से काट दो, 2×5 = 10, 100, यानी 3025 से क्या करेंगे, 100 घटाएंगे। यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे,
ए रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2 × 5 = 10। सही तो जा रहा है यार, सही तो जा रहा है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये 2 × 5 = 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 29 = 25 आएगा। कितना आएगा? 29 = 25 आएगा, 29 = 25 आएगा। सही बात है ना? ए रुक जा रुक जा रुक जा, 30 = 25, 29 = 25। हाँ ठीक है ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी? नहीं ना, छाप लो फट से। ये कोई आया है फनी। ए बचवा सुनो, यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं हो रही है, तुम निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो, भागो भागो भागो। और क्या कहूँ इन्हें, बताओ। ये वो छोटे बच्चे हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये क्लास सीनियर लोगों की है। ये आएंगे तो ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना, तुम्हारी आत्मा हिल जाएगी नीचे से ऊपर तक। इसलिए इनको मैं भगाने को बोलता हूँ, तो बुरा नहीं मानिएगा, वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये हो गया, अब आप लोग कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ये कहा कह रहे हैं पता है? छुटकू लाल कह रहे हैं कि हमें मजा ना आया होती है। एका बंद कह दिया, कुछ और पढ़ावा आप इनका, आप कुछ और पढ़ावा, मजा ना आया होती है। अब इनका दूटी कहानी बतावे लागी, लड़का लड़की वाली, भागे भगावे वाली, मार पिटाई वाली, प्यार मोहब्बत वाली, तबे पैर फैला के सुनी है, फिर मजा आए खूब। इन पढ़ाई मजा कहाँ आती है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बीच में, इम्पोर्टेंट है। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, ऑफलाइन वाले बच्चों को बंद कर दिया, तब मैंने देखा हमारे कुछ मित्रगण थे जो यूट्यूब पे इधर उधर का बकलोली करते थे, समझ रहे हो? कुछ ऐसी भी महिलाओं के और लड़कियों के मुझे वीडियो दिखाते थे जिनपे लाखों मिलियन व्यू आता था, समझ रहे हो? तो हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम भी यही सब करें और बहुत अच्छा पैसा भी आएगा, व्यू भी आएगा, लेकिन इससे देश समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले पे 20 लोग देखते हैं, तो अगर गंदा वीडियो डालोगे तो लड़ाई झगड़ा गाली गलौच वाला, तो उसको 1,000 लोग देखेंगे। लेकिन मैंने चुना 20 वाला, 1,000 लोगों वाला नहीं, समझ रहे ना? क्योंकि कुछ मान सम्मान से करेंगे तो देश में कुछ अच्छा होगा, और जब देश में कुछ अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। बाकी जो लोग स्टडी नहीं करते हैं वो लोग इसको नहीं देखते, मुझे पता है। चलिए आजकल लेकिन यही हो रहा है, अब पढ़ाई लिखाई कम हो रही है। आप देखेंगे जो जितना कम कपड़ा पहना है ना, उतने ज्यादा स्मार्ट है, उतने ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल है, जितने कम कपड़ा पहना है, जितने पतला कपड़ा पहना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये तो बड़ा गंदेला मास्टर है वे। अगल बगल देखते देखते हो जाता है। तो ये हो गया, कमेंट में देखता रहता हूँ मैं, उसी का आंसर भी देता रहता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, जब सीरीज बीच से स्टार्ट हो, उसमें एक और लिखिए, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, ये इसका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। कोई बताएगा इसका मान? एनीवन, हाथ उठाओ फटाफट। देखिए जल्दी जल्दी से फटाफट इसको खत्म करते चलिए, टाइम बहुत कम बचा है भैया। देखो आओ जल्दी आओ। हाँ क्या करना है? मैंने बताया था ये सीरीज जहां से कट रही है, जैसे 7 है, इसके पहले जितना है उनको घटा देंगे इसमें से। तो पहले सीरीज पूरा लिख लो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, देन 3 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। इसमें से क्या घटाओगे? जितना इसके पहले छूट रहा है, देखो 6 तक इसे यहाँ छूट रहा है, ये इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। यन का मान रख दो इसमें लाके, यन का मान यहाँ 20 है, यहाँ यन का मान 6 है, ठीक है? तो यन का मान 20 रखोगे मेरे भाई, तो क्या होगा? 20 × 20 = 21 / 2। इसमें भी ऐसे करोगे, यन का मान 6 रखोगे तो 6 × 7 / 2,
ए यहाँ पे घात स्क्वायर है चाचा, क्यूब नहीं है। इसको काट दीजिए, 2 से 10 आया, इसको गुणा करोगे 210 आएगा स्क्वायर, माइनस 3 सते 21 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? देखो भाई साहब, इनका गुणा करोगे, 21 का वर्ग होगा 441, और 2 जीरो लगा दोगे बगल में क्योंकि जीरो है, और इसका 441, इसमें से घटा दो आप 43,659 आएगा समथिंग। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं कैमरा चेंज करूंगा 2 मिनट के लिए। कैमरा मैं चेंज करने चल रहा हूँ, भागना नहीं, थोड़ा सा चेंज करूंगा, अंधेरा होगा बस। वी आर बैक, ऐसे तो बोलते हैं इंग्लिश में। आ गए हम फिर जिंदगी की तलाश में, हम मौत के कितने पास आ गए। अभी कैमरा बदल रहा है, मैं गा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। सुन लेना तो बता देना कि हाँ सुन गया हम। शायद नहीं सुन पाओगे, सुन लोगे तो क्या कर लोगे। चलो हाँ सो गया, और क्या, ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें आप लोग लगभग सारे टाइप पढ़ लिए हो, एक बचा है जब संख्या सम और विषम हो। जब संख्या सम और विषम वाली सीरीज हो तब सम और विषम वाला, सम संख्या के लिए योग पर आधारित प्रश्न है। देखिए सम संख्या और विषम संख्या ये सब क्या लफड़ा है, ये सब तो आप सभी पढ़ ही चुके हो। मेन पॉइंट की बात समझिए क्या है। मेन पॉइंट की बात ये है कि अब तक आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं, जैसे होता नहीं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डट 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 फलाने फलाने दिया होता है, तो इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है, अगर आप कोई तरीका नहीं लगाओगे तो, बेसिक में बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, पिछली क्लास अगर आपने देखा था तो आपको सब क्लियर हो गया होगा, नहीं देखा था तो जाके देख लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 30 का क्यूब का मान बताओ। देखो भैया ये इसे दाल नहीं गलने वाली है, इसका मान क्या होगा? अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो आप सभी कर लोगे, ऑप्शन ले लो। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, जल्दी बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी सिंह कमेंट आपका आ रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। देखो भाई सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, अभी तक आप जो करते आए हो वही करना है। जैसे आपने एक तरफ से संख्याओं का जो घनों का योग था निकाला था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है कि सम संख्याएं दी गई हैं, डायरेक्ट एक तरफ से सारी संख्याएं नहीं है। आप इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो मेरे भाई 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 आपका ये मिल जाएगा 15 का क्यूब। अब कैसे मिलेगा मैं वो भी आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा। जिनको ये ना समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, नो, मैं जान जाऊंगा कि आपको ये नहीं समझ में आया। एक बार सभी बोलो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया जो नीचे। देखो समझो भाई, अगर मुझे 2 का क्यूब से 2 का क्यूब कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब होता भाग करना, ठीक है, तो हम 2 के क्यूब में जब 2 का क्यूब का भाग करेंगे, आप वैसे भी जानते हो सब कुछ बराबर बराबर है, तो 1/1 मतलब 1 आएगा। बोलो यस, हाँ, यानी 1 का हम क्यूब भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का कुछ भी करो 1 ही रहेगा।
बहुत सच्चा ईमानदार है ये, तो समझो इधर। अब मेरे भाई अगर हम 4 का क्यूब इसमें से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये कॉमन जो लिया सब में से लिया है, इन सब में से कॉमन लिया था। तो 2 का क्यूब जब 4 का क्यूब से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, इसका मतलब ये होता मेरे भैया, ये होता बाबू, ये क्यूब का मतलब 3 घात ना, समझो। ये 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का क्यूब बचेगा ना, बोलो हाँ। तो मैंने यही तो लिखा था, कोई गाली थोड़ी दिया था यार, 1 का क्यूब लिखा था फिर 2 का क्यूब, यानी इसकी जगह पे। वैसे अगर 6 का क्यूब से कॉमन लोगे 2 का क्यूब तो ये 3 का क्यूब बचेगा, इसी तरह से ये सब पूरा आएगा। 7 स्टार गेमिंग, बताओ इतना समझ में आया, फट से इतना लिखो, मार्कर में इंक भर लेता हूँ। लिखते चलिए, समझते चलिए, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, सब कुछ आएगा, एकदम टेंशन मत लो यार, एकदम बिंदास रहो। सब आएगा मंजीत, चलो देखो अब समझो। आगे आंसर बहुत बड़ा थोड़ी है, ये बहुत आसान है, छोटा सा है ये। इसमें जो बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं, सी वाला सही है, सी वाला सही है बेटा, सी वाला सही है क्या? नहीं, इसमें मुझे लगता कोई नहीं सही है, इसमें सी वाला सही तब होगा जब ये इतना होता, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। क्योंकि देखो 2 का क्यूब जो है भैया मेरे, ये 8 हो जाएगा इंटू 1 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अभी अभी आपने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था ना, कितना होता है 1440, ये इतने का होता है 1440। इस तरह से आप इनका जब गुणा करोगे तो आपका ये 15200 इतना आएगा ये आंसर। कहोगे कैसे, कर लो 8 का 00 में कर लोगे तो 0 आ जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3, 35 हासिल 3, 8 एक 3 11। जो रेगुलर क्लास देखेगा वही समझ पाएगा, बाकी ये सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बहुत जल्दी करिए, सम संख्याओं पर आधारित तो मैं और भी कुछ प्रश्न करवाऊंगा, जल्दी करो 40 तक 1 कर लो। चलो भैया जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब हम अगर 40 कर दें इसकी जगह पे, ये मैंने 40 कर दिया लास्ट में, अब ये बताइए फिर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अगर आप गौर फरमाएं तो क्वेश्चन चेंज हो चुका है, लास्ट का नंबर चेंज हो चुका है, आंसर अलग आएगा। कोई इसमें से ऑप्शन चुनेगा मैं देने चल रहा हूं, चलो चलो भैया। इसमें से यानी कोई ऑप्शन, अदुआ खेती बॉयज जी, जय हिंद, ठीक हो ना आप, बढ़िया एकदम। देवा भाई अच्छी बात है कि तुम आ गए, मैं तुम्ही को तो खोज रहा था अब तक। चलो इसके ऑप्शन नंबर की अगर बात करें छात्रों, मेरे साथियों, तो मेरे बाबू, तो ए नंबर है, कौन सा है, ए नंबर है। काहे को देखो ना, इधर देखो ना, इसमें 2 का क्यूब आप कॉमन लोगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, जब इसमें 2 का क्यूब मीन्स 8 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 20 का क्यूब बचेगा क्या, कितना बचेगा, 20 का क्यूब कर लो मेरे भैया कर लो। अब क्या होगा यहाँ पर, ये कोष्ठक लगाओ बड़का वाला, देखो 2 का क्यूब मतलब 8, और 1 से लेकर के 20 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं, 1 से लेकर के 20 तक का क्या होता है, 44100, 44100, इनका गुणा कर लोगे तो
तो मुझे लगता है कि यही आएगा। जल्दी करें। नहीं, क्यूब नहीं कैंसिल होगा। विवेक गोल्डन बाबू, देखो आपको पीवीआर स्टडी का नंबर मिला होगा ना, तो मैं नंबर नहीं मिला तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करो, और पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप नीट के लिए, जेई या फिर कोई भी परीक्षा के लिए बेसिक सीख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे कमेंट बहुत सारा ना करो बस, समझ गए ना? हाँ, तो आप ये समझ लो, बाकी चीजें ठीक है, अच्छी चल रही है। ए नंबर ऑप्शन सही है, विवेक गोल्डन, समझ गए ना भैया? तो आप कॉपी पेस्ट ना करो। चलो, तो ये हो गया। देखो कोई पूछा ये क्यूब नहीं हटेगा, अभी अभी समझाया बाबू, एक बार थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, क्यूब काहे नहीं हटेगा। देखो जैसे कि अगर मैं 6 का क्यूब से 2 का क्यूब कॉमन लेता हूं तो ये बनता है, कॉमन का मतलब होता भाग करना। हाँ, तो 6 का क्यूब का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, और वही 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होता है ना। यहां से समझो थोड़ा सा, क्यूब का मतलब यही होता है। 2 से इसको सिंपलीफाई करोगे 3, इसको भी 2 से करोगे 3, ये भी 3, यानी आपका 3 3 3 3 बार आया। तो कहने का मतलब आपका 3 का क्यूब बना कि नहीं, बोलो? बना, तो वही तो मैंने किया था, जब 2 का क्यूब कॉमन लिया था इसमें से तो 3 का क्यूब लिखा था। समझ में आया? एक बार बोलो हाँ यस, सब कुछ समझ में आया एकदम बढ़िया से? किसी को कोई डाउट नहीं? देखिए सुपर टेट वाले जो भी बच्चे हैं, अधिकतर या तो वे एप्लीकेशन में ज्वाइन हो चुके हैं या फिर कुछ छुट्टी पे चले गए हैं। जल्दी करें, हो गया तो छाप लें, आगे बढ़ जाऊं मैं। राजेश कुमार पांडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था। ये तो था मेरे साथियों, जब सम संख्याओं के घनों का योग निकालना हो। अब आप मुझे ये बताओ, जब विषम संख्याएं दी गई हो तब उनमें क्या जुगाड़ लगाओगे? जब विषम संख्याएं दी गई हो तब क्या जुगाड़ लगाओगे? कर लोगे क्या आप सभी? एक बार सभी जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं हाँ बोले, यस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, लेकिन कमेंट जरूर करें। अभी सिंह, कमेंट में आपका देख रहा हूं, ठीक है। अजीत, वेरी गुड। अब हेडिंग डालिए विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए जैसे क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक आपको ट्रिक लगानी होगी, एक ट्रिक लगानी होगी, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी। लिखो, जैसे क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, प्लस डॉट 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 डॉट, ले जाओ चाहे जहां तक ले जाओ, ऐसे 19 का क्यूब। ये सिर्फ और सिर्फ सभी विषम संख्याओं का है, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब आगे समझना क्या होता है। देखो मेरे भाई, समझो, विषम संख्याओं के लिए है ये। इसमें एक तरीका लगाएंगे, उका लगाएंगे, समझना। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसका योग ज्ञात करो तो क्या होगा, बताओ? क्या होगा? देखिए सिर्फ इतने का पूछूं तो क्या होगा, आप कहोगे इसका 1, इसका 3 3 का 9 3 27, इसका 125, यही होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और आपका 8 5 13 3 8 1, हाँ 2 2 4 1 5, 153 आएगा। बोलो सही है ना? तो अगर हम इसको ट्रिक में लगाएं तो कैसे करेंगे, पता है आपको? ट्रिक में लगाएं तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको हम ट्रिक में लगाएंगे तो पहले तो कुल पदों की संख्या हमें पता होना चाहिए,
वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो इसमें कुल पद है ना, कुल पद है 1 2 3, इनको आप एक काम करो, जोड़ लो। मतलब देखो कितने पद हैं, 3 पद है ना, 3 में 1 जोड़ो 4 होगा, 4 होगा ना, 4 को आधा करो 2 होगा, यानी टोटल जितने पद हैं उसमें एक जोड़ के उसका आधा कर दो तो 2 आएगा। आपको क्या करना है, 2 ऐसे रख देना, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इनटू, फिर क्या करना है, 2 गुड़े इसका, वही सेम टू सेम ले लो, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, बस यही ट्रिक लगा दो। देखो ये आता है क्या, ये जुगाड़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 दूना 4, और ये देखो 2 दूना 4 दूना 8, भैया पता नहीं काम वाम करेगा कि नहीं, ये देख लो एक बार, 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8, मुझे तो नहीं लग रहा इसे काम करेगा यार, ये नहीं कर रहा है। अच्छा मुझे लगता है ये नहीं ट्रिक काम करेगा का, करेगा करेगा, थोड़ा रुको, करेगा पक्का करेगा, रुक जाओ 1 मिनट, करेगा। हाँ कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझे लग रहा है, 4 दूना 8 में से 1 गया 7, ये तो 28 से आ रहा है। इसको मिटाइए, अभी बताता हूँ, मैं कुछ बनाया था इसमें लेकिन मुझे लग रहा है अभी नहीं वर्क कर रहा है। भाई विवेक गोल्डी को काहे टाइम आउट कर रही है, वो क्लास के बारे में पूछ रहा है। ये ट्रिक नहीं काम कर रहा है, रुको मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन में भी आएगा, काम करेगा यार, काहे को नहीं कर रहा है भाई, एक बार फिर से ट्राई करो तो करेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन हल कराएं पहले, देखिए कुल पद जितने हैं उनको एक जोड़ के 2 से भाग करिए, तो कुल पद अभी कितना था, 3 था, ना 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 3 नहीं था यार, गड़बड़ हो रहा था। देखो 3 पद कुल कहाँ था, कुल 3 कहाँ था, लास्ट वाला जो पद था उसमें एक जोड़ना था ना मेरे भाई, यही तो हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। 1 मिनट, यहाँ देखो हमने क्या किया था, 1 का क्यूब 3 का क्यूब धन 5 का क्यूब, बोलो यही कर रहा था ना मैं, यही किया था, तो लास्ट वाला जो गिनती था उसमें एक जोड़ के आधा करना था, इनको ऐसे नहीं गिनना था 1 2 3, ये 5 है लास्ट का ना मेरे भैया, तो 5 में 1 जोड़ के आधा करना था, मतलब 6, 6 का आधा क्या होगा, 3, 3 होगा ना, तो उसका क्या करना था, स्क्वायर कर देना था, ये ट्रिक में था, 3 का स्क्वायर कर देना था, इंटू 2, और इसी का क्या करना है, स्क्वायर इसमें रख देना है, माइनस का 1, ये ट्रिक था। अब 153 आना चाहिए। चलो ये 9 हो जाएगा आपका बाहर, ये 3 3 का 9 2 ना 18, ठीक है, ये 3 3 का 9 9 2 ना 18, 18 में से 1 गया 17, 17 9 बोलो 153 होता है, का होता है ना, वैसे ये भी तो होता है 1 27, बोलो दोनों सही है, ट्रिक सही आई कि नहीं, बोल दो एक बार, हाँ यस, कम से कम ये तो दिखा ना आपको कि ये दोनों बराबर हो रहा है ना। मैंने क्या किया, जितने टोटल पद में लास्ट गिनती है उसमें एक जोड़ के उसका आधा कर दो, तो मैंने लास्ट में 5 था 1 जोड़ के 6 बनाया, 6 का आधा किया 3 आया, 3 का स्क्वायर कर दिया और फिर इसी स्क्वायर का डबल कर दिया, अंदर में 1 घटा दिया, बस यही ट्रिक है। अश्वनी आया समझ में, जो सीरियस है सिर्फ वही पढ़ेंगे इसको, सब नहीं पढ़ पाएंगे, सबके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सीरियस लोग ही पढ़ेंगे इसको। चलो भैया, सुपर टेट का ये पूरा बैच आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाके इनरोल कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, समझ रहे हो ना, नहीं तो मजा नहीं आएगी, फिर आप कहोगे बीच में कि इधर उधर हो जा रहा है क्या। आप गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल कर लीजिए, आराम से पढ़िए घर बैठे। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाओगे कैसे, कैसे लगाओगे, पहले यन का मान निकालो, यन का मान क्या करोगे, लास्ट वाले पद में 1 जोड़ोगे, आधा करोगे, 10 आया, यानी यन का मान कितना आया,
आधा आया। इसका अभी ट्रिक मैंने क्या बनाया था या सूत्र क्या बनाया था, यही बनाया था ना, प्रदीप कुमार यादव, ऐसे ही कुछ बना था कि नहीं? बना था, रख दीजिए, ऐसे ही बना था। अभी ये 10 का स्क्वायर, इसमें बड़ा ब्रेकेट लगा लो भैया, 2 × 10 का स्क्वायर -1, ये हो गया आपका 100, ये आपका 10 × 100 = 200, यानी 199। फाइनल में डबल जीरो लग जाएगा इसके बाद, बस लिख लीजिए जल्दी से, ये हो गया। ये ट्रिक थी आपकी विषम संख्याओं के लिए, इसे याद रखना। जब कहीं भी विषम संख्याओं के घनों का योग अगर पूछा जाएगा तो आप n का स्क्वायर इंटू 2n² - 1 ट्रिक यूज करोगे बस। चाहे आप SSC दे रहे हैं या आप टेट सीटेट सुपर टेट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये नंबर सिस्टम चल रहा है जो कि खत्म होने वाला है, स्पेशली टीचर भर्ती परीक्षा के लिए। SK सेल्फ स्टडी में नंबर दे रहा हूँ बाबू, देखो नंबर ऊपर पिन भी किया गया, आप नंबर ले लो और उसी नंबर पे आप संपर्क करो, ठीक है? नंबर पे आप संपर्क करके आप बेसिक वाला जाके एप्लीकेशन से एनरोल कर लीजिए, आपका जो भी बात है उसका समाधान हो जाएगा। SK सेल्फ स्टडी, समझ रहे हो, ये इनका नाम है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दूं तो इसका आंसर कौन कौन बताएगा? सुनो इधर साइड में, पहले इन्हें ब्लॉक करो फट से, इन्हें ब्लॉक करो फिर सुनो। अगर मैं यहां पे 27 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ले लो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए। यस, चलिए कॉपी पेस्ट वाला सुविधा बंद, अब सिर्फ लीगल कमेंट करो तो आएगा। मंजीत का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मंजीत, वेरी गुड, काफी अच्छी कोशिश कर रहे हो आप। देखो भैया मैंने क्या किया, इस पे 27 रख दिया। आप पहले यन का मान निकालोगे, यन का मान के लिए मैंने कहा था लास्ट वाला गिनती में 1 जोड़ के 2 से भाग करोगे, यानी 28/2 मीन 14 आएगा। फिर ट्रिक लगाओगे, ये यही तो लगाना छोटी सी ना, यन का मान 14 है, 14 का स्क्वायर, ये आपका 2 × फिर से 14 का स्क्वायर - 1, ये 196 आएगा, इंटू 196 टू जा कितना हो जाएगा बोलो, 392 होगा भाई, 196 आएगा ना, 196 का 2 में करोगे तो 382 आएगा, नहीं 392 आएगा, 392 आएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो 391 आएगा। मल्टीपल कर लो, मल्टीपल कर लो, कितना आएगा, 76 636 आएगा। गुणा करना आप सबको आता है, अब ये कहो कि मैं इसका गुणा करना बताऊं तो कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी लिखिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। भारती शॉर्ट, बहुत बहुत वेलकम। विवेक बच्चा, जब तुम बात नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बोलो। हाँ मैं सारा तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी बात का रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी तुम डंडा किए हो तो मैं क्या करूँ? आईडी बदलो, चाहे 1000 आईडी बदलो, सब ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब बातों को समझोगे तो ठीक है, हाँ कॉपी पेस्ट करोगे तो कहाँ मजा आएगा। चलो सभी को समझ में आया, एक बार बोलो यस। समझ में आ गया, एक बार बोलो हाँ यस। आगे बढ़े,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर मुझे लगता है सी वाला सही था। कौन सा सही था? सी वाला। अब अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी और चेंजिंग करके दूं तो आप लोग कर लोगे? बोलो हाँ यस। लेकिन अब मैं दूंगा नहीं, अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा तरीका, तरीका चेंज करूंगा। सुनना, देखो यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं किया जाता, 5 मिनट के लिए होल्ड किया जाता है, 5 मिनट बाद आप पुनः कमेंट कर पाओगे, 5 मिनट बाद आप पुनः फिर कमेंट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करोगे एक ही बात लिख के, बस इतना सा है। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके के अब है, लिखिए कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सम विषम वाले हो गए, लिखिए शर्तों पर आधारित क्वेश्चन, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। शर्तों पर आधारित प्रश्न कैसे हैं? लिखो भैया दी, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जरूरी नहीं है कि इतना हो लास्ट में जितना दिया है, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि इसका जो सलूशन है इतना हो ही, माना गया है वो कितना है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, ज्ञात करिए। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 13 मान ज्ञात करें, क्या होगा बताओ, फटाफट बोलो क्या होगा। देखो सिंपल है, इसका अगर मैं ऑप्शन दे दूं आप सभी को तो ऑप्शन भी कर लोगे आप। पहला ऑप्शन है क्लियर, कितना आएगा बताओ। देखो बहुत सिंपल है, मैं बताऊं अगर आपको, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, जिसको हल करना है, हमें जो दिया है हम पहले उसको लिखेंगे, ये हमें दिया गया है। इसमें से मेरे भाई हम 4 कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, देखो समझो, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 4 कॉमन यहाँ पर लूंगा तो 4 1 कम 4, नहीं 4 2 8 और 2 बचेगा, 28, 4 7 28 27 बचेगा। यानी मैं इसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कर सकता हूँ। और एक चीज ध्यान रखो, वो कहा है कि मेरे भाई अगर मैं 4 कॉमन इसमें से लूंगा तो कितना बचेगा तुम्हें पता है? वही जो 15 का क्यूब होता है, जो 15 का क्यूब होता है वही बचेगा यहाँ पे अंदर में। यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसकी जगह पे क्या, 15 का क्यूब। क्यों, सही जा रहा है गलत जा रहा है? नहीं, सही जा रहा है, ये 15 का क्यूब बचा। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आया होगा, वो क्या कि ये पूरे का मान कुछ दिया है, बोलो दिया है ना पूरे का मान, तो कितना दिया भाई? पूरे का मान दिया है 13,500। रख दो, गुणा कर लो, मल्टीपल कर लो, कितना आएगा? कितना दिया है? 13,500 थोड़ी दिया है, सॉरी ये दिया है 81,28। ये जो कमेंट में फालतू कमेंट कर रहे हैं इनको ब्लॉक करके भगाओ, तुरंत तुरंत ब्लॉक करके इनको हटाओ, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब परमानेंट ब्लॉक करो इन्हें, अब इनको होल्ड ना करो 5 मिनट के लिए, उसके लायक नहीं है। चार अठे 32, 4 2 8, 3 11, हासिल आया 1, 4 1 कम 4 1 5 और 4 8 32, 32,512 है ना? ओके okay।
देखिए मिस्टर विवेक, मैं तुम्हें कई बार बताया, तुम्हारे भगवान ने अकल नहीं दिया है तो मैं उसके लिए क्या करूं? बताइए, मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत रूड व्यवहार कर रहा हूँ। मैंने कहा कि बाबू, भैया, राजा, नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, उस पर इंक्वायरी कर लो, जो जो पूछना है पूछ लो, मुझे पढ़ाने दो। तो तुम चाहते हो कि नहीं मैं यही डंडा करूंगा? हाँ, सब कुछ बता दो इनको, पूरी डिटेल यहीं पे। क्लास मतलब पढ़ाओ ना, जो 100 बच्चे और जुड़े हैं वो बेवकूफ हैं, उनका टाइम वेस्ट कर दो, इनको समझा दो यहीं पे। नंबर इसीलिए दिया कि आप उस पे जो जो पूछना है मैसेज करके पूछ लो, बता दिया जाएगा सब। थोड़ा वक्त लगेगा, मैसेज भेज दो, सब बताया जाएगा, जो जो इंक्वायरी करोगे सब बताएंगे, हम आप ही के लिए हैं। लेकिन आप मेरे तरीके से चलोगे तब, अगर कहो कि हमारे तरीके से चलें तो फिर हम सबके तरीके से तो नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि YouTube पे 4 लाख स्टूडेंट हैं तो पागल हो जाएंगे हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए ध्यान दीजिए। यदि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, समझना, तब मुझे बताना क्या इसमें कोई कमेंट मॉडरेटर है अभी, जैसे रोहित, मनोज, सोनाली, अंजलि, विवेक, पवन, कोई भी है क्या? लिखो, यदि इसमें 19 का यहाँ पर क्यूब कर दिया जाए और इसका मान कह दें कि दिया है 19900, जो कि अभी आया था, तो 5 + 4 = 40, 135 डॉट डॉट डॉट, का मान ज्ञात कीजिए, इसका पूरे का। अंकित गेमिंग, हाँ बताओ क्या तकलीफ है, बोलो। वर्ग नहीं मिस्टर कुमार जी, राजेश जी, वो घन था, वहां वर्ग नहीं था, जो तुम 3375 बता रहे हो घन था, ठीक है, क्यूब था, 3 घात थी। चलो देखो, अब समझो इसमें क्या करना है भैया, इसमें आप 5 कॉमन लोगे, जब 5 आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा पता है? 1 बचेगा, 1 का क्यूब कर सकते हो। इसमें जब 5 कॉमन ले लोगे 40 में, तो 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। जब 5 कॉमन लोगे 135 से, तो 27 आएगा, कितना आएगा बाबू? 27 आएगा, 27 को तुम 3 का क्यूब लिख सकते हो। इसी तरह से ये पूरी कहानी आगे बनती जाएगी, और जब इसमें से 5 कॉमन निकाल लोगे इसमें से 34,000 वाले से, तो कितना बचेगा पता है तुम्हें? ये बचेगा 68, 61, कितना बचेगा? 68, 61, और जो 68, 61 बचेगा वो 19 का घन होता है, तो हम लिख सकता हूँ सीधा सीधा 19 का घन, समझ में आया? क्योंकि ये जो 19 का घन है ये इतना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये कब आएगा? ये कब आएगा? जब इसको हम 5 से भाग करेंगे, भाग करके देख लो। अब इतने पूरे का मान आपको दिया है 19900, ये दिया है पूरा, तो गुणा कर लीजिए, आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को? नहीं, फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक करते जाइए, जो मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मन मतलब खींचे इनकी तरफ, तो इन्हें ब्लॉक करिए तुरंत। आइए देखिए आप क्या करोगे, मल्टीपल कर लो, 5 0 0, 5 9 45 का 5 हासिल आया, 4 5 9 45, 4 49 हासिल, 4 5 1 5 4 9, 99500 ही आंसर आए। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? नहीं, बहुत जल्दी करें, हमारी कोशिश है अब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, बातचीत नहीं होती क्लास में। अब थोड़ा सा अलग टाइप का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक आध। यस राजकुमार,
जी बिल्कुल, मैं मोबाइल नंबर ऊपर साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जो लास्ट तक बच्चा जुड़ता है मैं नंबर उसे रोज देता हूँ। अब नंबर डायरेक्टली पब्लिक नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान करते हैं, हर दिन दिन रात फोन मैसेज करते हैं, तो मजा नहीं आती। नंबर मैं नोट कर दिया हूँ, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? नहीं, चलो आप देखो भाई, थोड़ा टाइप चेंज करिए। जब पॉइंट में मान दिया है तब, पॉइंट में मान दिया तब कैसे करोगे? देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अब क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, समझना यार। देखो अब टाइम हो रहा है काफी ना, लेकिन ये जरूरी है करवाना जितना बचा है। लिखो फट से। यदि अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 7 का क्यूब बराबर 512 है। देखो ये शर्त वाला क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि इतना बराबर इतना होता ही हो, ये कंडीशन है। ठीक है, क्या है ये कंडीशन है। तो 0.11 क्यूब, 0.77 का क्यूब का मान बताना है। देखो भैया आसान है, समझो यहां पर। समझो यहां पर थोड़ा सा। इनके ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन ले लो। 0.65, 0.72, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। समझिए कैसे और क्यों। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 0.11 का क्यूब मैं कॉमन लूंगा तो इसमें मेरे भाई 1 का क्यूब बचेगा, और ये आपका 2 का क्यूब बचेगा, और ये डॉट 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 7 का क्यूब बचेगा। आप कहोगे ये कैसे? देखो मैं समझा रहा हूं, सुनो सुनो इधर साइड में समझो। एक्चुअली में क्या है कि मैंने क्या किया, इसको तो तुम जान ही रहे हो कि 0.11 का क्यूब, इसमें से जब सेम नंबर कॉमन लेंगे तो सेम नंबर से भाग होगा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, शुरू से बताता आया हूं। तो अगर ये सेम है सब कुछ तो 1/1 मतलब 1 आएगा, इतना तो पूछना नहीं है, ये सबको जानते हो। लेकिन जब 0.22 इसमें से मेरे भाई हम इतना कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता भाग, इसका घन इसका भी घन, तो यहां पर 2 का क्यूब बचेगा। वो कैसे बचेगा समझो, ये कैसे बचेगा देखो मैं बता देता हूं एक बार फिर से, बार बार बता रहा हूं। देखिए समझिए, एक्चुअली ये 3 बार गुणा होगा और नीचे 3 बार ये रहेगा, ये रहेगा ना। जब ये दशमलव के साथ में आपका कटेगा ये तो 2 आएगा सीधा सीधा, दशमलव शमलव खत्म हो जाएगा। यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, 2 2 2, 3 बार है तो 2 का क्यूब यानी ये आ गया, दशमलव का लफड़ा यहीं पे खत्म हो जाएगा। जल्दी करो इसे, लिखते चलो। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें समझना है आपको, थोड़ा गहराई से समझना है, आओ समझो।
इतने का मान दिया पूरे का 512, तो हम 0.1 का क्यूब इंटू 512 रखेंगे, ठीक है। और 11 का जो घन होता है 1331 होता है, ये तुम्हें पता है। और दो अंक पर दशमलव है, तो 2 दूना 4 दूना 6 अंक पर दशमलव हो जाएगा, मैंने दशमलव में पढ़ाया है, तो ये इतना हो जाएगा इतना का, ठीक है। और 512 से इसमें गुणा कर दो। देखो भैया टोटल जब गुणा करोगे 512 से मल्टीपल करके देखो, करके देखो एक बार कितना आएगा, जल्दी करो फटाफट। 8×14=72 ऐसे कुछ आएगा, काफी बड़ा आएगा ये, ऐसे कुछ आएगा इतना लगभग में मैं इसे बोल सकता हूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये ऑप्शन सही है। देखिए ये बहुत आसान वाली मैथ नहीं है, इसमें हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, जो टीचर बनना चाहता है सुपर टेट का परीक्षा देना चाहता है सिर्फ वही रुकेगा, बाकी यहाँ सब नहीं रुकने वाले हैं। इसका कंप्लीट कोर्स आप पीवीआर स्टडी ऐप में पा सकते हैं, ठीक है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और जा करके इनरोल करें अगर आप इसका फुल कोर्स लेना चाहते हैं। कोई प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी है इस कोर्स से संबंधित, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ सुपर टेट, सी टेट और डीएलएड वाले ही मैसेज करेंगे, यानी जो सीनियर स्टूडेंट हैं। अगर 9th 10th में हो, आप छोटे बच्चे हो, तो इस पे मैसेज बिल्कुल नहीं करना, ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। समझ गए ना, छोटे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे उनको रिप्लाई मिलेगा, और बाकी ऊपर नंबर दिया गया बच्चों के लिए उस पे वो लोग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में साथियों, रात के 9 बजे से बेसिक मैथ का टाइम होता है, आज मुझे बेसिक मैथ पढ़ाना है, लेकिन 9:15 से मैं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि अभी मुझे सब्जी लाने जाना है, रात के 9 बज चुके हैं, इसके बाद सब्जी नहीं मिलेगी, 10 बज जाएगा तो सब बिक जाएगी, और इस समय हमारी टीम में बड़ी शॉर्टकट चल रही है, तो मैं खाना वाना भी बनाता हूँ रात में खुद ही, तो इस वजह से मुझे लाके रखना पड़ेगा, क्योंकि शाम को मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, रात के 9 बज चुका है, 6 घंटा हो चुका है, तो अंदर में एक इंजन लगा है, इसको भी तेल ओल चाहिए थोड़ा, समझ रहे हो। तो चलते हैं फिर, YouTube पर आप नहीं देख रहे हो मुझे, YouTube पे तो आप 3 घंटा देख रहे हो बस। हाँ, इसके पहले एप्लीकेशन में क्लासे होती हैं, अभी एप्लीकेशन में 10 बजे के बाद भी क्लास है। आप भी अगर सुपर टेट का इसका पूरा कोर्स चाहते हैं तो ये प्रक्रिया करें जो बताया गया आपको, एक बार